आपका एक यूनिट रक्तदान बचाता है 3 व्यक्तियों की जान। ऑल इंडिया रिपोर्ट्स एसोसिएशन, आयरा प्रेस क्लब, सृष्टि सेवा समिति, सर्व समाज महासभा एवं बालाजी परिवार सेवा समिति फाउंडेशन के द्वारा पहला रक्तदान शिविर कानपुर के पनकी स्थित बालाजी तीर्थ धाम तीर्थ में हुआ। रक्तदान शिविर में शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ साथ आम जनमानस ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। यहाँ रक्तदान शिविर में आपसी प्रेम और भाईचारा भी देखने को मिला, जहाँ सभी धर्मों के लोगों ने साथ साथ रक्तदान किया। कानपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश अवस्थी ने आयोजकों से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन, आयरा प्रेस क्लब, सृष्टि सेवा समिति, सर्व समाज महासभा द्वारा और बालाजी परिवार सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया यहाँ कानपुर के पनकी पड़ाव में। हमारे साथ कुछ आयरा प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जो कि जिनके माध्यम से आयोजन हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? फैसल हयात। आयोजन के बारे में बताइए। जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि एक ब्लड डोनेट 3 लोगों की जान बचाता है, इसी कड़ी को हम लोग जो है बहुत मजबूती प्रदान करते हुए ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन, आयरा प्रेस क्लब, सर्व समाज महासभा, सृष्टि सेवा समिति, बालाजी परिवार सेवा समिति फाउंडेशन के तत्वधान में ये एक कार्यक्रम ब्लड डोनेट का किया गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव जी हैं। गोपाल गुप्ता, मानस ब्लड बैंक से। ये आयोजन है किस तरीके की, यहाँ पे क्या आयोजन किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं आप दे रहे हैं, वो लोग बताइए। इन्होंने पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ठीक है, और ये अभी तक सफल पूर्वक चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ब्लड देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप ब्लड देंगे 24 घंटे के अंदर आपका ब्लड बिल से फिर से रिकवर हो जाता है, और एक ब्लड देने से 3 लोगों की जान बचाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ब्लड कौन दे सकता है और क्या मानक है कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए तो ब्लड दे सकते हैं, इस तरीके की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, वो बताएं। ठीक है, कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड दे सकता है, ठीक है, जिसका वजन 45 किलो के ऊपर, हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर कोई भी होगा, सबका ब्लड लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में, चूँकि मॉर्निंग में कार्यक्रम शुरू हो चुका था, अब तक कितने लोगों ने रक्तदान किया है और लगभग कितने लोगों के आने की और संभावना है? अभी तक तो 20 से 25 लोगों ने ब्लड दे दिया है और अभी भी 50-60 लोगों की शायद आने की और संभावनाएँ अभी है। ये आपके ब्लड बैंक के अलावा कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके साथ? हमारे साथ सृष्टि सेवा समिति, और सर्व समाज महासभा, और एक बालाजी परिवार, और आयरा फाउंडेशन, ये मिलकर ही कैंप्स करा रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कैसा लगा आपको आज पहली बार रक्तदान करके? अच्छा लगा, और रक्तदान देने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि सभी लेडीज़ें आगे बढ़ के रक्तदान के लिए अपना अपना प्रोत्साहन दिखाएं और रक्तदान जरूर करें। मैंने रक्तदान किया आप बताइए, और इसको देने से कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे आप और लोगों से? और लोगों से ये कहना चाहेंगे कि रक्तदान करें और इससे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।